हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल 46S। लेट्स सी। रूल 46S न्यू इनवॉइस रूल्स, डिक्लेरेशन इन टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी। तो अब हम देखते हैं कि 46S जो रूल है वो क्या कहते हैं। अभी तक जो रूल्स थे 46R तक थे, R के बाद उन्होंने 46S जो है वो नया रूल इंसर्ट कर दिया। इट इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट डिक्लेरेशन अंडर रूल 46S। तो उसने क्या बोला, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड व्हाइल जनरेटिंग अ टैक्स इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू होम बाय वर्चू ऑफ ए TO invoicing would have been applicable as per rule 44, but is not generating the invoice due to certain exemptions notified by the government. तो सबसे पहले, as you all know, आपको पता ही है कि invoicing इसके ऊपर applicable है। अगर आपकी turnover जो है वो 20 CI या उससे ज्यादा है तो आप invoicing के दायरे के अंदर आ जाते हो, तो आपको invoice बनाना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे टैक्सपेयर जिसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, मींस दो उनकी टर्नओवर जो है वो 20 CI से ऊपर है, बट वो इनवॉइस जो है वो जनरेट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो एग्जम्पशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ कैटेगरीज है जैसे कि सिस यूनिट है, तो कुछ कैटेगरीज को एग्जम्पशन जो है वो दी गई हुई है। तो अगर आप एग्जम्पशन की वजह से इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट दी है कि वहां पे एक डिक्लेरेशन जो है रूल 46S के अंदर आपको देनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपना इनवॉइस बनाते हो, आप इनवॉइस बनाते नहीं हो क्योंकि आप एग्जम्प्ट कैटेगरी में हो, तो जब सामने वाले के पास जो इनवॉइस आता है उसको कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो कई सारी इसके लिए क्वेरीज आई थी, तो उसको देखते हुए उन्होंने 46R के बाद एक 46S रूल जो है वो इंसर्ट कर दिया। Rule 46S was inserted by First Amendment 2022 to the CGST Rules 2017, while a CGST Notification Number 14/2022 dated 5th July 2022. Last time जैसे ये 14 notification आई थी, तो तभी हमने ये discuss किया था कि जो notification number 14 है वो काफी lengthy है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग points को cover किया गया है, और उसी point of view से जो जो उसके अंदर main main points है उसी के relating जो है वो videos हमने यहाँ पे बनाएंगे हैं। And will come in force soon, 5th July 2022. So, the rule 46S hai, notification number 14/2022 ke through usko notify kiya gaya, aur ye rule jo hai, wo applicable kiya gaya 5th July 2022 se. Ab, what is the declaration to be added to the tax invoice? Ab humne iske andar kya bola, rule 46 एस क्या बोलते हैं कि ये एक डिक्लेरेशन है। आपने एक इनवॉइस बनाया, इनवॉइस के नीचे आपको एक डिक्लेरेशन जो है वो देनी पड़ेगी। तो डिक्लेरेशन क्या है वो हम देखते हैं। आपको एक इनवॉइस के नीचे ये डिक्लेयर करके देना पड़ेगा, आई वी हियर बाय डिक्लेयर दैट डू आर एग्रीड टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स इज मोर देन द एग्रीड टर्नओवर नोटिफाइड अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 48। मींस आपकी जो टर्नओवर है वो दो, चाहे वो एक लिमिट से ज्यादा है, जैसे 20 CR से आपकी ज्यादा है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेट सब रूल। तो लेकिन वो इनवॉइस बनाने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते। तो जब भी ये लोग इनवॉइस अपना बनाएंगे, ये इनवॉइस बनाएंगे नहीं, इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो एक टैक्स इनवॉइस जो अदरवाइज बनाएंगे, तो जो इनवॉइस बनाएंगे उस इनवॉइस के नीचे इनको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी एज पर रूल 46S। उनको एक नीचे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि हु नीड्स टू कंप्लाई विद द रूल 46S। अब 46S में किन किन लोगों को डिक्लेरेशन जो है वो देनी पड़ेगी, उन्हीं को देनी पड़ेगी जो इनवॉइस की कैटेगरी से एग्जम्प्ट है। अब इनवॉइस की कैटेगरी से एग्जम्प्ट कौन कौन सी है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हो गए, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, GTA कंपनीज हो गए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लायर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सिनेमाटोग्राफ, और persons registered in terms of rule 14 of CGST rules OIDAR। next,
हाउ टू कम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अबव रूल. अब हमने बोला कि आपको इनवॉइस के नीचे एक डिक्लेरेशन जो है वो देनी पड़ेगी. अब जो डिक्लेरेशन कैसे देनी पड़ेगी, या तो आप इनवॉइस के नीचे प्रिंट कर दो, ठीक है, या आप रबर स्टैंप उसके बना लो. तो उन्होंने वही कहा है, टैक्सपेयर्स कैन आइदर अमेंड टू ऐड द अबव डिक्लेरेशन इन द बिलिंग सॉफ्टवेयर, जिस भी सॉफ्टवेयर से वो बिलिंग कर रहे हैं वहीं पे ऐड कर लें वर्डिंग, और गेट ए रबर स्टैंप विद द अबव डिक्लेरेशन. प्रिंट निकाला उसके बाद एक रबर स्टैंप उसकी लगा दो, या इस तरह से मीन्स किसी भी तरह से आपको ये इनवॉइस के ऊपर डिक्लेरेशन दे के ही इनवॉइस निकालना है, अदरवाइज आपका जो इनवॉइस है वो इनवैलिड हो जाएगा. इसको भी हमने समराइज किया कैसे, विच टैक्स इनवॉइसेस शुड कंटेन द डिक्लेरेशन अंडर रूल 46 इज, टैक्सपेयर्स हुज एटीओ एक्सीड्स द नोटिफाइड लिमिट विल बी रिक्वायर्ड टू ऐड द डिक्लेरेशन इन द टैक्स इनवॉइसेस इन द फॉलोइंग केसेस. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज. अगर आपकी बी टू बी की टैक्सेबल सप्लाई है, वेदर एन ई इनवॉइस इज बीइंग जनरेटेड, अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट किया तो आप क्या करते हो, यस ई इनवॉइस आपने जनरेट कर दिया, यस yes. तो क्या आपको डिक्लेरेशन अंडर रूल 46S देने की नीड है, नो. जब आपने ई इनवॉइस ही बना दिया तो आपको डिक्लेरेशन नहीं देनी. फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन क्या है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है जिनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल तो है बट वो जनरेट नहीं कर दिया. यहाँ पे अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट ही कर दिया तो आपको डिक्लेरेशन देने की नीड नहीं है, तो नो. अब नेक्स्ट कैटेगरी की आती है बी टू सी, वेदर एन इनवॉइस इज बीइंग जनरेटेड, नो. आपने इनवॉइस नहीं बनाया तो दैट मींस आप अपना जो भी इनवॉइस काटोगे उस इनवॉइस के नीचे आप अपने डिक्लेरेशन देंगे. अब नेक्स्ट, बी टू बी और बी टू सी सप्लाईज ऑफ एन एग्जम्प्टेड कैटेगरी ऑफ द टैक्स पेयर्स. अभी जैसे हमने जो की स्टडी किया जीटीए सेल्स यूनिट्स जो भी होगा एनबीएफसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो इन केसेस के अंदर वेदर एन इनवॉइस इज बीइंग जनरेटेड, नो. आपने इनवॉइस नहीं बनाया तो डिक्लेरेशन अंडर रूल 46S टू बी एडिड इन इनवॉइस, यस डेफिनेटली यस. सो तो क्रक्स क्या है, रूल 46S को लाने का मेन पर्पस क्या है, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल है बट ये इनवॉइस जो है वो जनरेट नहीं करते क्योंकि ये एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर आ गया. अब जब इन्होंने इनवॉइस अपना नहीं बनाया तो सामने वाले के साथ जिसके साथ ये डील कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ एम्बिगिटीज आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जो कि एग्जम्पशन कैटेगरी में आ रही है, इनवॉइस दो उसके ऊपर एप्लीकेबल है बट उसको एग्जम्प्ट किया गया, तो उस केस में इनवॉइस की जगह वो क्या करेंगी, अपने इनवॉइस के नीचे एक डिक्लेरेशन जो है वर्डिंग वो जरूर लिखेंगे कि उनको एग्जम्प्ट किया गया, और वो डिक्लेरेशन चाहे वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर ले चाहे उसकी एक रबर स्टैंप बना के कर ले, अदरवाइज ये डिक्लेरेशन के बिना इनका जो भी है अगर इसको 46S की डिक्लेरेशन वो इनवॉइस के नीचे नहीं देते तो इनका इनवॉइस जो है वो इनवैलिड माना जाएगा. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत ही ज्यादा ये वाले जो है पॉइंट्स जो है वो आपके बेसिक नीड्स हैं, आपको इन सबको कंप्लाई करना है अदरवाइज आपका इनवॉइस जो है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.